कौशाम्बी कोकरास थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुरा गांव में 2 वर्ष शिवा पुत्र लहुरा मासूम बच्चे की गला घोटकर पड़ोसी रामसूरत ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कमरे के अंदर स्टील की पानी की टंकी में छुपा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान बच्चे के गले पर निशान थे, जिससे गला घोटकर हत्या किए जाने की आशंका पुलिस ने जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक मासूम परिवार के घर में कोहराम मच गया। मृतक परिजनों का आरोप है कि रामसूरत हत्या कर अपने घर में छुपा रखा था। आरोपी मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दिल दहला देने वाली ये घटना कोकरास थाना क्षेत्र के हसनपुरा गांव की है। शिवा 2 वर्ष सुबह लगभग 10 बजे घर के पास खेल रहा था। जैसे ही उसकी मां अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई, उसी दौरान बच्चा रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। जब मां बाहर निकली तो बच्चे को गायब देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। सूचना मिलते ही परिजन सहित स्थानीय लोग उसकी तलाश में जुट गए, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पाया। लगभग 4 बजे परिजन थाने पहुंचे और घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस बच्चे की तलाश कर रही थी, तभी उनके परिवार के ही एक व्यक्ति के घर में बच्चे का शव बरामद हुआ। शव को स्टील पानी की टंकी में छिपा कर रखा हुआ था। पुलिस ने उसे बाहर निकलवाया। बच्चे के गले में अंगूठे के निशान बने हुए थे। पुलिस को आशंका है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है और बाद में शव को कमरे में छुपा दिया गया, ताकि रात में उसे ठिकाने लगाया जा सके। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपी के परिजनों को पुलिस अपने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने एक FIR कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। ये बताइए, घटना हुआ किस प्रकार से हुआ, कहाँ पे हुआ? ये साहब खंभा के पास हुआ है। राम सूरत की लड़की थी निर्मला देवी, वो खिलाने के रूप में एक बार लिया है। उसके बाद देखने वाले देखे हैं कि हाँ वो खिलावत रही है निर्मला। और फिर उसके बाद मानी उससे पूछा गया कि कस कहाँ गया, तो वो कहा कि मतलब मैं छोड़ दिया है, वो गया। मतलब वही कहती थी कहीं उसकी मम्मी लेटरिन गई है, तो सब लोग कहते हेरने गए और ये निर्मला उसको अंदर लेके घुस गई। उसके पिताजी राम सुंदर वो अंदर ले जाके उसको गला दबा करके उसको गला घोट करके मार दिया, और उसकी औरत राम सुंदर की और भूसे में गाड़ दिया। फिर हम लोग सब तालाब में हेरते हैं, पूरा सगली हेरने लगे, पूरा गांव, पूरा हमारा सब पूरा मोहल्ला सब हेरने लगा। फिर उसके बाद मानी ये बता रहा है कि तालाब में जाओ, तालाब में हेरो। हम तालाब में भी घुस के हेर रहे हैं और ये मारकर भूसा में गाड़े रहा। फिर उसके बाद टंकी यहाँ हसनपुर गांव में कोखराज थाने में पड़ता है, वहाँ एक सूचना मिली थी कि एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इस पर तत्काल हम लोग वहाँ मौके पहुँचे, तो घटना इस प्रकार की है कि उस बच्चे को उसके सगे पटीदार उसने मार दिया है गला दबाकर, और उस बॉडी को अपने घर में ही उसने छुपा कर रखा था और वो उसको डिस्पोज करने ही जा रहा था कि तभी वहाँ सभी लोग पहुँच गए और बॉडी को रिकवर कर लिया गया। मुलजिमानों की तलाश की जा रही है, उनके परिवार वालों को हिरासत में ले लिया गया है, बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और FIR लिख कर आगे कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था नॉर्मल है।